यस वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज़ प्रवीण ashwarya एजुकेटर एट लर्निंग पावर और शुरुआत करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के इस सेशन से और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉटेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और उसके साथ साथ इसमें कुछ करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा इस्कोर करने में तो शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा सेशन है वो बाइलिंगल है दोनों लैंग्वेज में इंक्लूड किए गए हैं आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में देख सकते हैं क्वेश्चन इससे जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सके और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सके तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आज के सेशन में इंक्लूड किया है और देखेंगे कि कैसे आपके एग्जाम्स में अगर आए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे ठीक तो है तो ये हमारा बाइलिंग है और आते हैं बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है बोला है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टेन ठीक है ये पहला ही हमारा साइंस से क्वेश्चन है और बोला गया है कि टिन का इसमें से कौन सा सिंबल है ठीक है यहाँ पे टी आई दिया है एस SI आई दिया है एस एन दिया है और टी ए दिया है ठीक है तो आप सभी को बता दूं कि टिन का जो सिंबल है वो एस एन से सम, आ, सम, आ, स... इसको डिनोट किया जाता है और इसका है स्टेनम ठीक है टिन को स्टेनम के नाम से जानते हैं बात करें टीआई की क्योंकि बहुत सारे लोग टिन का टीआई सोच रहे होंगे तो टीआई आई को बता दूं तो यह टिटानियम टिटानियम है ठीक है और ये सिलिकॉन है और यह है टेंटुलम ठीक है तो ये टेंटुलम है और सबका मैंने बता दिया और सही आंसर जो है टिन का स्टेनम है ठीक है एस आई एस एन ठीक है तो यह हमारा एस एन इसका आंसर हो जाता है ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा यहाँ पर बोला कि अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व है ना अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व विच वॉज़ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है बोला गया है कि अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में है ठीक है तो जैसा कि इसका नाम है अन्ना मलाई तो ये जो है किस राज्य में है तमिलनाडु में ठीक है तमिलनाडु में अन्ना मलाई हिल्स भी हैं और अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व भी है तो इसका आंसर हो गया है तमिल नेक्स्ट है बोला गया है कि न्यू दिल्ली लोटस टेम्पल ठीक है न्यू दिल्ली का लोटस टेम्पल है एक वास्तुकार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है ठीक है वो कहाँ के थे ठीक है ये बोला गया है फ्रॉम uh, है ना किस uh, देश के थे यहाँ पर दिया गया है अलग अलग यू uh, संयुक्त अरब अमीरात जापान ईरान और जर्मनी ये चार कंट्री के नेम दिए हुए हैं ठीक है और ये जो थे वास्तुकार लोटस टेम्पल के वो ईरानी थे ईरान के थे ठीक है और उनका नाम था फरीबुर्ज फरी सफा ठीक है फरीबुर्ज सभा नाम था जो ईरानी थे और इन्होंने ही दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिज़ाइन किया था ठीक है तो ये हमारा ईरान आंसर हो गया है सही अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बोला गया है कि आ, सरकारिया आयोग वेन डिड द सरकारीया कमीशन कमिटेड इट्स रिपोर्ट ठीक है सरकारिया आयोग की बात की गई है और इन्होंने कब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था ये बोला गया ठीक है तो आप सभी को बता दूं कि सरकारिया आयोग जो था गठित किया गया था किसके लिए मीन्स कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं है ना उसको बेटर बनाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इट वॉज क्या कहेंगे इसको इट वॉज कमीशन टू क्या बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ठीक है तो ये जो है सेंटर और स्टेट के बीच बैलेंस बनाने के लिए आ, किस तरह के आ, इसकी की काम किए जाने चाहिए इसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1988 में सौंपा था ठीक है तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है 1988, ठीक है और इन्होंने एक 1600 पेज का जो है रिपोर्ट सौंपा था कितने का 1600 पेज का 1600 पेज का रिपोर्ट था जिसको सौंपा था कब 1990, 1988 में हालाँकि इससे पहले पाँच साल पहले ये बनाया गया था कब इसकी इसका गठन किया गया था सरकारिया कमीशन का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1983 में और पाँच साल लगे थे इसकी रिपोर्ट सबमिट करने में ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिनकी देख में ये काम किया गया था ठीक है इनका पूरा नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया ठीक है क्या नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे रिटायर्ड जज थे इन्हीं को ये इन्हीं के नाम से ये सरकारिया कमीशन जाना जाता है ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज ठीक है तो अरावली रेंज आप सभी को पता है ये अरावली रेंज कहाँ राजस्थान हालांकि ये गुजरात राजस्थान दिल्ली ठीक है तो ये तीन आ, तीन राज्यों में जो है ये फैला हुआ है अरावली रेंज और अरावली रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है हाईएस्ट वो है पॉइंट है वो है गुरु शिखर ठीक है और ये कौन सा माउंट आबू ठीक है माउंट आबू माउंट आबू कहाँ राजस्थान और यहीं पर ये अरावली रेंज माउंट आबू क्या है एक हिल स्टेशन है ठीक है और यहीं और सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर ठीक है अब आते हैं आगे अगला क्वेश्चन है बोला गया कि मरु महोत्सव ठीक है मरु महोत्सव ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द विच रीजन ऑफ इंडिया है ना मरु महोत्सव जो है जिसे डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर तो जयपुर जैसलमेर कच्छ और बीकानेर दिया हुआ है ठीक है और ये जो मरु महोत्सव मनाया जाता है उसका सही आंसर आपका है जैसलमेर ठीक है कहाँ पर जैसलमेर जैसलमेर राजस्थान में है और यहीं पर मरु महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया है जैसलमेर द नेक्स्ट वन बोला गया कि भटियाली भटियाली इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ठीक है भटियाली जो है किस राज्य का फोक म्यूजिक है ठीक है तो आप सभी को बता दूं कि भटियाली जो है कहाँ का पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का फोक म्यूजिक है ठीक है अब बात करते हैं यहां पर भटियाली का तो भटियाली कहां का पश्चिम बंगाल का फोक म्यूजिक है ठीक है उसके बाद बात करें यहां पर कर्नाटका का तो यहां पे है जग धाधली ये कर्नाटका का है तमिलनाडु में अगर आएंगे तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा पट्टम या विल्लू पट्टू विल्लू पट्टू जो है ये कहां का तमिलनाडु का है और केरल में आएंगे तो वंची पट्टू। ये यहां का वंची पट्टू, यहां का केरल का आपको लोक संगीत है फोक डांस फोक म्यूजिक है ठीक है अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर अगला बोला कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट ठीक है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान मंडलों के गठन की बात की गई है प्रावधान किया गया है ठीक है ये हमारा प्रश्न है और इसका सही आंसर है जो 168 सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट क्या कहता है द इंडिया हैज़ टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लेजिस्लेचर इन स्टेट ठीक है विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है ये कहता है कौन सा आर्टिकल 168 कहता है ठीक है आर्टिकल 163 की बात करें तो ये बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद सीएम ठीक है चीफ मिनिस्टर उसके बाद आर्टिकल 165 की बात करें तो ये बोलता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ठीक है और 168 आपको बता दिया 160 सिक्सटी बोलता है ड्यूटी ऑफ सीएम चीफ मिनिस्टर के कार्य ठीक है तो ये जो है भारत के संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स हैं और उनके प्रावधान हैं, ठीक है थीके? अब बात करते तो बोला कि इज कॉमनली यूज इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलुक एक्सेट्रा फॉर ठीक है एफ सेवन कुंजी आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलुक आदि में प्रयोग की जाती है तो एफ सेवन एफ सेवन का काम क्या है ये पूछा गया है ठीक है तो एफ सेवन का काम है चेकिंग एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक है तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाता है ठीक है वर्तनी और व्याकरण की जांच करना यह हमारा सही आंसर है ठीक है वर्तनी और व्याकरण की जांच करना ठीक है ये हमारा सही आंसर है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया भारत में जो पहला जो है कच्चे तेल का पाइपलाइन का निर्माण किया गया है उसका क्या नाम है ठीक है ये पूछा गया है ठीक है बोला है कि मुंबई हाई बम्बई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन दूसरा नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन ठीक है और तीसरा है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर देखिएगा तो ये जो है नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन ये भारत का पहला ठीक है फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड है कहाँ बरौनी पाइपलाइन ठीक है तो ये हमारा दूसरा इसका आंसर हो गया है नारकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन ठीक है अगले आते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है कि द फेमस गुप्ता पीरियड जो है दशा अवतार टेम्पल रिकोगग्नाइज इन वन ऑफ द अर्लीस्ट पंचायतन टेम्पल इन द नॉर्दर्न इंडिया इज लोकेटेड एट कहाँ पर ये है ये चार ऑप्शन दिए गए हैं नचना कुठार गांव तिगावा देव देवगढ़ ठीक है ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है देवगढ़ ठीक है तो इस तरह से दशावतार मंदिर उत्तर भारत का सबसे पुरानी पुराना पंचायत मंदिर है जो कि देवगढ़ में स्थित है अब आते हैं अगला बोला गया है कि वट इज़ द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल वाटर एट 25 फाइव डिग्री सी या सेवेंटी सेवन डिग्री फॉर एन हाइट में ध्वनि की अनुमानित गति क्या है ठीक तो है तो यह है चौदह सौ अंठानवे मीटर पर सेकेंड ठीक है और इसका सही आंसर हो गया है चौथा चौदह सौ अंठानवे मीटर पर सेकेंड ठीक है ध्वनि की अनुमानित गति है जल में नेक्स्ट बोला गया है कंट्री इज टू ट्रेन इंडियन फाइट इंडियन फ्लाइट सर्जन टू इनेबल देम टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एस्टोनॉट सिलेक्टेड फॉर द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान ठीक है तो यहां पर बोला गया है कि मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाला कौन सा देश है तो वो है फ्रांस ठीक है हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस ठीक है <coughs> आगे आते हैं अगला बोला गया है कि ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ ऑफ लियोन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड थे एस, ठीक है तो बोला गया है कि आ, थेसुन नहीं दस सन अर्थ एंड दस सन होना चाहिए दस सन है यहाँ पे स्पेस नहीं है ठीक है बोला गया कि अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है ठीक है ये ऑप्शंस दिए गए हैं 137, 147, 142 और 152 मिलियन ठीक है और इसका सही आंसर है 152 मिलियन किलोमीटर ठीक है हमारा सही आंसर है 152 मिलियन किलोमीटर ठीक है तो यहाँ पर दस सन है ठीक है अब आते हैं आगे बोला कि इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग वॉट डज ई एन आई ए सी का अर्थ क्या है ठीक है ये पूछा गया है और बोला गया है कि इसमें से चार ऑप्शन हैं सब में आपको दिखेगा कि सबका स्टार्टिंग जो है ई एन से शुरू हो रहा है तो इससे बड़ा मुश्किल होता है बट आप सभी को बता दूं कि ई एन आई ए सी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है पहला ही हमारा आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर ठीक है आगे आते हैं अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि द नेशनल गेम ऑफ इज भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है आर्चरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग टू चार्ज ऑफ द फोर्टी एथ प्रेसिडेंट ऑफ बी इन अक्टूबर 2022 ठीक है अक्टूबर 2022 से अभी तक यही है ठीक है तो इसलिए अक्टूबर 2022 में इन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और आज भी यही है ठीक है तो ये कौन है इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं अनुराग ठाकुर सौरभ गांगुली शशांक मनोहर रोजर बिन्नी ठीक है और इसका सही आंसर है रोजर बिन्नी ठीक है ये जो है चालीसवें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं बी के ठीक है और सेक्रेटरी तो आप जानते ही हैं जैसा ठीक है अब आते हैं बोला कि वेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व एवरी एवरी ईयर हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो हमारा सही आंसर हो गया है यहाँ पर 25 जनवरी ठीक है हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ठीक है अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हलवा सेरेमनी रिसेंटली देखेंगे तो नाम दिया गया हलवा समारोह ठीक है ऐसा लग रहा है जैसे कोई फंक्शन वगैरह होगा लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है बोला गया कि बजट इकोनॉमिक सर्वे गणतंत्र दिवस और फिट इंडिया कार्यक्रम हलवा समारोह जो है हाल ही में समाचारों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो आप सभी को बता दूं कि यह हलवा समारोह जो है ये मनाया जाता है फिनांस मिनिस्ट्री में वित्त मंत्रालय में और हर साल जब बजट तैयार होना शुरू होता है तो जिन लोगों को बजट तैयार करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है उनको घर द्वार छोड़ करके और इन्हीं मिनिस्ट्री में रहना पड़ता है, है ना जब तक कि बजट अनाउंस ना हो जाए तब तक उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता वो पूरी तरह से ऑफिस में ही रहते हैं बजट तैयार करते हैं और कोई भी उसकी सूचना जो है लीक ना हो इसीलिए ऐसा किया जाता है तो जब बजट पूरा हो जाता है जब बन के तैयार हो जाता है तो वैसे लोग जो महीनों अपने परिवारजनों से दूर रहते हैं और फिर जब फाइनल बजट तैयार हो जाता है, है ना तो उससे एक दिन पहले मीन्स कि बजट के एक दिन पहले वाली रात को ये हलवा सेरेमनी हलवा समारोह मनाया जाता है ठीक है तो ये बजट से संबंधित है ठीक है तो उन बजट बजट बनाने वाले लोगों के लिए एक बड़े से बर्तन में हलवा बनाया जाता है ठीक है ताकि उनके मेहनत का फल मिले ठीक है बोला गया कि राजा रवि वर्मा ये बहुत पुराने क्या हैं ये बोला कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड है ना तो राजा रवि वर्मा जो थे चित्रकारी और कला के लिए जाने जाते थे बहुत फेमस थे ठीक है राजा रवि वर्मा अब आते हैं आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाइएस्ट शेयर इन इंडिया जेडीपी भारत की अर्थव्यवस्था में आ, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सा किसका है सर्विसेज का लगभग लगभग ये जो है अब 53% परसेंट क्या अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी थ्री परसेंट ठीक है तो ये आ गया है लगभग लगभग तिरपन प्रतिशत जो है हिस्सा है सेवा क्षेत्र का बोला कि वी एन एस विक्रांत ठीक है आई एन एस विक्रांत हाल ही में खबरों में आया आई एन एस विक्रांत क्या है ऑप्शन दिए गए हैं सबमरीन है एयरक्राफ्ट कैरियर है टैंकर है, है और फ्रिगेट्स हैं ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आप सभी को बता दूं कि आई एन एस विक्रम विक्रमा विक्रांत क्या है ये एक वाहक पोत है और इसी के साथ ये जो है हमने कहाँ से लिया है यूके से लिया है यूके से खरीदा है इसे आई विक्रांत को ठीक है और एक आई एन विक्रमादित्य ठीक है आई एन एस विक्रमादित्य आई एन एस विक्रमादित्य विक्रमा कहाँ से हमने रशिया से खरीदा है ठीक है तो ये दो दो विमान जो है ये विमानवाहक पोत है जहाँ पर समुद्र में ही जो है वहाँ पर विमानों को जो है लैंड कराया जा सकता है एक साथ दो से तीन विमान को उसी जो है पोत पर लैंड कराया जा सकता है यही है आई विक्रांत नेक्स्ट बोला गया कि, है है कि हैदराबाद के संस्थापक हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी हैदराबाद हैदराबाद सिटी के संस्थापक थे निजामुल मुल्क कौन थे निजामुल मुल्क हैदराबाद सिटी के संस्थापक थे ठीक है तो इस तरह से ये वाला हमारा हो गया अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया भारत में पैसे छापने का काम कौन करता है आरबीआई ये तो सभी जानते हैं भारतीय है, रिजर्व बैंक ठीक है तो भारत में आरबीआई जो है ये पैसे छापने का काम करता है बाकी नहीं करते ठीक है आर क्या है बैंकों का बैंक है इसलिए पैसे छापती है बोला कि मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर देखिए एटमोस्फेयर में सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर ठीक है उसके बाद स्टेटोस्फेयर तो ये हमारा आंसर हो गया है समताप मंडल यहीं पर ओजोन पाए जाते हैं ठीक है थीके? और ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल जो है ये क्षोभ मंडल जो है यहीं पर आपको जितने भी मौसमी घटनाएं होती है ये सब कहाँ पे क्षोभ मंडल में आपको दिखते हैं बारिश आंधी तूफान जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं ठीक है समताप मंडल में क्या होता है ओजोन परत होता है ओजोन ठीक है ओजोन लेयर्स हैं जिसकी वजह से सूर्य की किरणें है ना हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती है ठीक है तो ये था हमारा पूरा पूरा जो है इस तरह से 25 फाइव क्वेश्चन जिसको हमने आज कवर किया है और इसी तरह से हमारा 25 फाइव क्वेश्चन का सेशन आगे भी चलता रहेगा और इससे पहले भी मैंने कई सारे कई सारे सेशन जो है जनरल अवेयरनेस के कवर किए हैं तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो और लाइक और शेयर कर दीजिएगा ठीक है आपके लाइक्स एंड शेयर्स और मुझे इनक्रेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में ये एस एस सी सी एच एस एल का कोर्स है आप चाहें तो एस एस सी के किसी भी बैच में इनरोलमेंट करा सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है आप सभी मेरे साथ जुड़कर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में एस एस सी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोई भी आ, अलग से लेक्चर बनवाना हो या कुछ और टॉपिक हो जिसको कवर करवाना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे